हाय एंड हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने अभी लिस्ट देखी होगी और आप लोग बहुत परेशान हो गए होंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो लिस्ट इनकम्प्लीट है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है, जब आप खुद बताइए JNM में 20 बच्चों को अपग्रेडेशन मिला है, तो जिन वो जो 20 बच्चे JNM में गए हैं वो किसी ना किसी कॉलेज अलॉट हुआ होगा ना, तो वो सीट खाली हुई होंगी ना। तो भाई 20 सीट तो आएंगी ही आएंगी यार, काहे टेंशन लेते हो। EWS सीट्स भी आई हैं कांकेर और अंबिकापुर में, उनको 91 तक मिल गया है। अरे भाई वो इनकम्प्लीट है, काहे टेंशन ले रहे हो, डरो मत, वो इनकम्प्लीट है। अभी फिर से एक और लिस्ट अपलोड होगी ही होगी और उनको करना पड़ेगा। ऐसे सीट्स थोड़ी ना खा जाएंगे और खाने थोड़ी ना देंगे, ठीक है। हमें पता है कि किसमें कितनी सीट्स और कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, तो ऐसे थोड़ी ना खाने देंगे, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं, आप हड़बड़ाओ मत यार, हड़बड़ाने से क्या होगा, ठीक है। हाँ, और ये भी है भाई, 3 दिन दिए हैं, मतलब बोलते हैं कि 13 से 15 में एडमिशन करा लो। अरे भैया उनको कौन समझा है, उनको क्या बोले, कल क्या है हमारा सेकेंड सैटरडे है, कल बैंक की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है, मंडे को बच्चा DD बनाएगा कि अपने पुराने वाले कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेगा कि नए वाले कॉलेज में जाके एडमिशन लेगा। मतलब इनको किसने बना दिया, CGDMA वालों को बनाया किसने, इंसान है कि क्या है। मतलब इंसान कोई होता है ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाता है, इनका दिमाग तो ना मैं सोचता है घुटनों में है, लेकिन घुटनों में भी नहीं है, तो घुटनों से भी नीचे पहुंच चुका है, इनका दिमाग पता नहीं कहां जा चुका है। तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, फिर से लिस्ट आएगी, इनको वो 20 बच्चे जो अपग्रेड होके JNM गए हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। वो 20 सीट्स गई 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 कहां, तो वो उनको सिम्स मिला होगा ना, उनको कोई ना कोई कॉलेज तो मिला होगा ना फर्स्ट राउंड में, तो वहाँ से अब जब वो अपग्रेड होंगे तो ये सीट्स वेकेंट होंगी ना। अब क्या पता इन्होंने एक नया रूल बना दिया हो कि जब वो अपग्रेड होकर वहाँ चले जाएंगे फिर सीट वेकेंट होगी, उसके बाद ये अगले राउंड को उनको अलॉट करेंगे। तो डरो मत, कुछ नहीं होने वाला। और ये फालतू के रूमर्स मत फैलाओ कि CGDMA बिक गया है, ये हो गया है, वो हो गया। भाई साहब एक एक सीट का हिसाब लिया जाएगा और उन बच्चों को मिलेगा जिनकी मेरिट में नाम है, जिनने मार्क्स लाए हैं। ऐसे कैसे बेच देंगे किसी को भी, तुम्हें पता है ना नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे JNM में, तुम्हें सभी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स पता है, तुम्हें भी पता है कितने बच्चों को एडमिशन मिला है, तो हम काउंट करेंगे ना बैठ के। काहे टेंशन लेते हो, हड़बड़ाने से क्या होता है यार, तुमको अभी अगले राउंड में मिल जाएगा। अगर ये लिस्ट, अगर बच्चे अपग्रेड हो गए, क्या पता ऐसा हो गया हो इस बार से कि जिन बच्चों ने अभी ये कॉलेज अपग्रेड होके जाएंगे तो सीट वेकेंट करेंगे, तो उनको फिर सीट वेकेंट होने के बाद अगले राउंड में अलॉट करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, तो काहे डर रहे हो, इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, पैनिक करने से कुछ नहीं होने वाला है। और इनको देना पड़ेगा उन 20 सीट का हिसाब किताब, आप बिल्कुल भी मत डरो यार, मैं एक ही चीज बोलूंगा, डरो मत। अभी मुझे कॉल आ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं फोन, अरे रोने से क्या हो जाएगा, रोने से कुछ होने वाला है ये बताओ, नहीं होने वाला है ना। और एक आप लोग फालतू के रूमर्स कैसे फैला देते हो कि सीट बिक जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भाई CGDMA के कहने से कुछ नहीं होता है और उनके बेचने से कुछ नहीं होता, हम लोग बैठे हुए हैं ना, हम लोग देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जितनी सीट्स हैं उतने एडमिशन उनको लेने होंगे और वो भी मेरिट के अकॉर्डिंग लेने होंगे, एक भी यहां वहां से वहां नहीं जाने वाला है। और CGDMA के जैसा मैंने मतलब यूजलेस इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। एक गधा भी होता है ना, तो गधे को कम से कम, गधा मेहनत करने के काम आता है, तो मेहनत करने लायक भी दिमाग तो उनका है ही नहीं है। और ये मेहनत करने, इनको ये नहीं पता कि कल भैया बैंक बंद है, परसों बंद है, और तुम लोग ऑनलाइन पेमेंट लेते नहीं हो, तुमको DD चाहिए होती है, तुम UPI से पेमेंट लेते नहीं हो, तुमको DD चाहिए, तो क्या इनके पप्पा बना के देंगे वहां पे, इनके पप्पा से बनवाओगे तुम लोग DD जाके। साले कैसे इंसान लोग हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब समझ ही नहीं है, समझ होने की एक हद होती है भाई, है ऐसा। 3 दिन में बच्चा, किसी बच्चे को अगर मान चलो अंबिकापुर मिला हुआ था फॉर एग्जाम्पल, और उसका अपग्रेड हो जाता है राजनांदगांव में, तो वो अंबिकापुर जाएगा इन 3 दिन में, वहां से अपने डॉक्यूमेंट लेगा, वहां के बाद जाके राजनांदगांव में एडमिशन लेगा। 3 दिन में संभव है, और उसमें DD भी बनवाना है जिसमें 2 दिन बैंक बंद है, मंडे को बैंक खुलेगा। कैसे पागल टाइप बात करते हैं लोग, मतलब कोई दिमाग नाम की चीज होती है ना भाई। चलो ठीक है, तो फिर से लिस्ट आएगी, या फिर ऐसा होगा कि जब बच्चे अपग्रेड हो गए वहाँ चले जाएंगे तो सीट वेकेंट होगी, और उसके बाद थर्ड जो हमारा मोप अप राउंड बोल लो, जो भी बोलना है आपको बोलो, उसमें फिर सीट अलॉट होगी उन बच्चों को, जब बोलो उस सीट को छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तो डरने की जरूरत नहीं है, रोने होने की जरूरत नहीं है, सबको मिलने वाला, जिस रैंक तक बोला था उस रैंक तक मिलेगा। और JNM का बोला था 600 तक, 600 से ऊपर वालों को मिल जाएगा, मिल गया ना 600 से ऊपर वालों को, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जिस रैंक तक मैंने बोला है उस रैंक तक मिलेगा। EWS को भी अभी 91-92 तक मिल गए, जिसमें एक दो बच्चों को और मिलेगा आगे चल के, ठीक है। तो 93-94 तक जाएगा EWS का, अभी भी बोल रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेने का, सबको मिलेगा, सब कुछ होगा, जो बोला था वैसा होगा, आज नहीं तो कल होगा। और नहीं होगा तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पता है कि हमें 20 बच्चों का अपग्रेड हुआ है, तो 20 सीट वहाँ पे वैकेंट हुई है, तो वो किसको दे दी तुमने, तुमने बेच थोड़ी ना दी, तुमने किसी ना किसी को तो दी होंगी ना, तो बताएंगे ना किसको दी है। काहे टेंशन लेते हो, हम लोग बैठे हुए हैं ना पूरा एनालिसिस करने के लिए, आपको पूरा एनालिसिस करके बताया जाएगा, एक भी सीट खाने नहीं देंगे, ठीक है। चलो